अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो जनाब, सुबह सुबह का वक्त है और मैं अपना पीने जा रही हूँ चिया सीड वाला पानी, जो मैं रात को ही भिगो के रख देती हूँ और सुबह उठ के सबसे पहले मैं ये वाला पानी पीती हूँ। और इससे जो मुझे बेनिफिट हुआ है वो आपको मैं ये बताऊँ कि मेरे मैदे का प्रॉब्लम रहता था तो चिया सीड पीना जब से मैंने शुरू किए चुटकियों में मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। चिया सीड से कोलेस्ट्रॉल को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो जिनको मैदे का प्रॉब्लम है या उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो मेरी तरह सुबह सवेरे चिया सीड पीना शुरू कर दें। पानी में मिला के पीना है और सुबह नाश्ते से पहले नहार मुँह सबसे पहले ये लेना है। ओके, ये कितनी ज़बरदस्त टिप हो गई आप लोगों के लिए। और जनाब, हम बना रहे हैं सुबह सुबह अपना नाश्ता। मैं ज़्यादा हैवी नाश्ता तो नहीं करती हूँ, बस लाइट सा नाश्ता करती हूँ। बात यही है कि फिर मुझे वही मैदे का प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो कि चिया सीड की वजह से सॉल्व हो चुका है। और मैंने सोचा कि ये बात आप तक पहुँचाऊँ ताकि मेरे लिए सदका जारिया बन जाए, साथ साथ मेरा नाश्ता बन रहा है, मैं लाइट सा नाश्ता करूँगी। क्योंकि आज तो मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझे ग्रॉसरी के लिए जाना है, फिर ग्रॉसरी को किचन में ऑर्गेनाइज़ करना है। और मैं जब कभी ग्रॉसरी करती हूँ और ग्रॉसरी को किचन में ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो साथ साथ मैं पूरा किचन अधेड़ के रख देती हूँ। मेरी ये आदत है, मैं कहती हूँ कि बस फटाफट एक दिन में ही सारे काम निपटा लूँ ताकि पीछे के लिए कुछ ना छोड़ूँ, ताकि फिर काफ़ी दिनों तक मैं रिलैक्स रहूँ और अपने लिए कुछ और घर में काम ढूँढती रहती हूँ। और मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के ज़बरदस्त से लोग मेरे आपको देखने को मिलते रहें। तो जनाब, मैं यहाँ करने लगी हूँ अपना नाश्ता। आपने भी अपने जो जो काम निपटाने हैं वो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मेरी आगे की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। तो चलिए जी, ग्रॉसरी शॉपिंग तो हो चुकी है। मैं आपसे शेयर इसलिए नहीं कर सकी कि फिर वीडियो बहुत लंबी चली जाती है। जस्ट मैं आपको किचन में ग्रॉसरी की ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो दिखाना चाह रही थी। ये एक बड़ा सा कंटेनर है मेरे पास, इसमें पहले की भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो सारी हम निकाल लेंगे और नई चीज़ों के साथ इनको दोबारा सेट करेंगे। मैं कैबिनेट्स में वैसे ही चीज़ें रखना पसंद नहीं करती, वो एक तो बहुत मुश्किल होती है, ढूंढना पड़ती हैं चीज़ें, दूसरा लेने रखने से बार बार जो है वो चीज़ें ख़राब होती हैं, इधर उधर भी गिरती हैं। तो इसलिए मैं इस बड़े कंटेनर में इनको जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। जी तो ये हो गई आपके लिए मेरी पहली टिप कि हमेशा चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज करके रखें अपने किचन में। वैसे ही कैबिनेट्स में ऊपर नीचे ये पैकेट्स ना रखा करें, एक तो देखने में भी बुरा लगता है, दूसरा बार बार निकालने से और रखने से, और अगर पैकेट्स खुल जाएं तो चीज़ें इधर उधर गिरती हैं, जैसे चावल हो गए, चीनी हो गई, मसाले हो गए, तो वो मैसी सा हो जाता है, किचन भी कैबिनेट्स भी कुछ अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए इन सब को हम इस बड़े कंटेनर में ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जो बड़े आइटम हैं छोटे आइटम छोटे कंटेनर्स में ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और इसका काम तो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है जी। तो इस छोटे कंटेनर में हम स्पाइसेस वगैरह, एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी हैं, मसाला जात वगैरह जितने हैं, वो सारे इस कंटेनर में जो है हम रख देंगे और ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे इनको हम इसमें। और इस तरह से चीज़ें लेना रखना आसान हो जाता है, ढूंढनी भी नहीं पड़ती, बस जस्ट आप अपना इस कंटेनर को निकालें, ढकना उठाएं और जो चीज़ आपको चाहिए वो ले लें जी। तो हमने इनको काउंटर टॉप के नीचे वाले कैबिनेट्स में ऑर्गेनाइज़ कर दिया है बड़े अच्छे तरीके से। और अब हम दालें जो हैं इन जार्स वगैरह में डाल लेते हैं। मैं कोई बाहर से कुछ भी परचेज़ करके नहीं लाई हूँ, जो चाय की पत्ती के जार होते हैं, जिस चीज़ के भी होते हैं, वो जो खाली होते हैं, हम उन्हें धो के रख लेते हैं और जहाँ कहीं यूज़ करना होता है तो मैं उनको किचन में यूज़ कर लेती हूँ। तो ये हो गई दूसरी टिप आपके लिए कि आपको ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो चीज़ भी चाय की पत्ती है, कुछ भी है, अब बाहर से कुछ खाना वगैरह बच्चे कभी मंगवाते हैं, वो जो छोटे छोटे टिफ़न वगैरह या बॉक्सेस वगैरह होते हैं, वो अगर आपके घर में आते हैं तो उनको रख लिया करें, सेव कर लिया करें और बाद में आपको इसी तरह से ये मेरी तरह काम आएंगे जी। तो अब हम
चाय की पत्ती वगैरह और धनिया, कोरिएंडर जो है वो भी इन जार्स वगैरह में डाल देंगे। सब सूखे मसाले भी हैं जो वो सब रख देंगे, और जो जो जार गंदे हैं अगर मैसी हैं तो उनके ढक्कन वगैरह सब साफ़ कर लेंगे और इनको अच्छे तरीके से कैबिनेट में जो है सेट कर लेंगे, ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। और ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें मैंने सारी एक बास्केट के अंदर कितने अच्छे तरीके से अरेंज की हुई हैं, इस तरह मुझे ढूंढना नहीं पड़ता और बस जस्ट बास्केट निकालती हूँ, जो चीज़ मुझे चाहिए होती है मैं वो निकाल के ले लेती हूँ। इस तरह किचन मैसी भी नहीं होता है, टाइम की भी सेविंग हो जाती है, चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती। तो ये होगी मेरी तरफ से आपके लिए एक तीसरी टिप। और मेरी बेटी हर ग्रॉसरी शॉपिंग में अपने लिए चीज़ें एक्स्ट्रा ले कर आती है, खाने पीने की क्या अल्ला बला, तो वो अपने रूम में ले जाती है। और ये देखिए जी ज़बरदस्त सा स्पून होल्डर, और ये हो गई आपके लिए मेरी चौथी टिप कि सारे स्पून जो हैं वो इस स्पून होल्डर में जब हम रखेंगे इकट्ठे एक जगह, तो वही बात है कि जगह जगह बिखरे हुए स्पून जो हैं वो ढूंढना भी मुश्किल है, तो यहाँ इकट्ठे पड़े होंगे, जस्ट आप कैबिनेट से निकालिए और अपनी पसंद का स्पून लीजिए और इसे यूज़ कीजिए। कितनी ज़बरदस्त टिप आपके लिए जी। तो इस कैबिनेट को देख के आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये रेंटेड हाउस है और इसके किचन में काउंटर टॉप के नीचे वाले जो कैबिनेट हैं वो उसमें टाइल्स वगैरह नहीं लगी हुई। तो यही मैं आपको बताना चाहती थी, किचन कंस्ट्रक्शन में कितनी मिस्टेक्स होती हैं और इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। अब ये इतना देखने में भी बुरा लगता है और गंदा भी लगता है, और जब हम पतीले वगैरह निकालते हैं तो नीचे रगड़ खाने से खींचने से वो भी ख़राब होते हैं, तो इसलिए मैंने ये कार्डबोर्ड जो है वो नीचे डाले हुए हैं। तो जिनके किचन तो बन चुके हैं उनको तो हम कोई मशवरा नहीं दे सकते, बस वो तो बन चुके हैं। और खुदारा जो नया घर बनाना चाहते हैं वो बहुत सोच समझ के अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाएं और इस तरह की गलतियां ना करें, क्योंकि पैसा भी ज़ाया जाएगा और ज़्यादातर वक्त तो ख़वातीन का किचन में ही गुजरता है। तो कम अज़ कम किचन को तो अपनी मर्ज़ी से बनाएं कि जहाँ वो सुकून से रह के काम कर सकें अपने। और मैं साथ साथ जो है मेरी ये आदत है कि जिस दिन ग्रॉसरी को मैंने अरेंज करना होता है, ऑर्गेनाइज़ करना होता है, उसी दिन मैं फ्रिज का काम भी खोल के बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे एक ही दिन में सारा काम करना होता है। तो साथ साथ हमने फ्रिज की भी क्लीनिंग कर ली। ये अलग बात है कि मैं आपको उसकी क्लीनिंग सफाई नहीं दिखा सकी, सिर्फ अरेंज करना दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर ये सब कुछ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो फिर वीडियो बहुत लंबी जाती है और आप लोग बहुत बोर होते हैं। यहाँ मैं आपको दूंगी पांचवीं टिप कि फ्रिज में एक्स्ट्रा कोई चीज़ ना रखें और एक्स्ट्रा फूड भी बिल्कुल ना रखें, क्योंकि जब हम फ्रिज में फूड रखते हैं एक्स्ट्रा जो बचा हुआ खाना होता है, तो फंगस की वजह से वो दोबारा खाने से हमारे पेट ख़राब हो जाते हैं और बीमारियां लगने का ख़तरा है। तो इसीलिए उसी वक्त आप फ्रेश खाना ही अगर किसी को ज़रूरतमंद को दे दें तो सवाब भी हासिल हो जाएगा और नेकियां कमाने का जज्बा भी मज़ीद बढ़ता जाएगा। तो किचन तो हो गया ऑर्गेनाइज और फ्रिज भी ऑर्गेनाइज हो गया, नीट क्लीन हो गया। अब जितने बर्तन निकल आए हैं, ज़ाहिर है जब पूरे किचन की सफाई की जाती है, किचन ऑर्गेनाइज किया जाता है, फ्रिज की सफाई की जाती है, तो एक्स्ट्रा काफ़ी बर्तन निकल आते हैं, उनको धो के हम साइड पे कर लेते हैं। और ये देखिए जी ये हो गया हमारा वॉशिंग डिटर्जेंट, वॉशिंग की जो चीज़ें सर्फ साबुन और बर्तनों वाला साबुन और ये सब चीज़ें। और ये मैं आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल किचन में रखना पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनकी स्मेल जो है खाने पीने की चीज़ों में मिक्स हो जाती है, तो इसीलिए मैं ज़रा इसको अलग से रखना पसंद करती हूं। और अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताती हूँ मैंने कहाँ रखती हूँ। तो चलिए जी अब ये चीज़ें रखने के लिए, छोटी चीज़ें जो वॉशिंग की छोटी चीज़ें, उनको रखने के लिए एक छोटा सा DIY भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, और मुझे यकीन है कि आपको ये अच्छा लगेगा। ये मेरे पास एक शूज़ का डिब्बा पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, इसी से DIY करके मैं छोटे छोटे जो वॉशिंग के आइटम हैं इनको इसमें ऑर्गेनाइज करके आपको दिखाऊँगी, और फिर ये भी दिखाऊँगी कि मैं ये सब चीज़ें कहाँ पर रखूँगी। तो ये आपके लिए हो गई टिप नंबर 6, छोटे छोटे आइटम्स को इसमें ऑर्गेनाइज कर लीजिए। इसी तरह का एक DIY आप भी कीजिए और घर वालों से दाद वसूल कीजिए। देखें कितने अच्छे ऑर्गेनाइज हो गई हैं सारी चीज़ें। ये रहा मेरे कंसोल का ड्रावर और ये रहा मेरी ड्रेसिंग का ड्रावर। अब इन दोनों में से मैं एक को सिलेक्ट कर दूंगी ये सारे आइटम रखने के लिए, वॉशिंग डिटर्जेंट और सारी चीज़ें मैं इसमें ऑर्गेनाइज करूंगी। नीचे एक शीट बिछा दूंगी
ताकि देखने में भी अच्छा लगे। और यहाँ पे हम इनको रख देंगे, साथ में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम रख सकते हैं जी। तो इस डिब्बे के साथ हम वॉशिंग के और आइटम भी बड़ी आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी स्पेस है, नीचे भी काफ़ी स्पेस है, नीचे सर्फ वगैरह और ये चीज़ें रख देंगे, और ऊपर हमने छोटे मोटे आइटम रख लिए। जी तो मेरी आदत है, मैंने आपको बताया कि मैं कोशिश करती हूँ कि जिस दिन मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ उसी दिन मैं उसको ऑर्गेनाइज़ करूँ, पूरे किचन को साफ़ करूँ, फ्रिज की क्लीनिंग भी करूँ, सब कुछ करूँ। तो इसी में मुझे शाम हो गई और रात का खाना बनाने का टाइम हो गया। तो आज हमने वैसे भी पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि हम कढ़ी पकौड़ा बनाएंगे, साथ चटनी कबाब और वाइट चावल। तो कुकिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी, मैंने कहा थोड़ा सा आपसे ये भी शेयर किया जाए। और बड़ी ज़बरदस्त कढ़ी बनती है, ये हमारा पठानों का स्टाइल है, ना तो ये पंजाबी स्टाइल है, ना तो ये देसी स्टाइल है और ना ही किसी गांव का, बल्कि ये तो पठानों वाला स्टाइल है। तो अगर आपको खानी हो तो जल्दी से आइए और पठानों वाली स्टाइल की बनी हुई कढ़ी खाइए। कहीं मत जाइएगा, बस मैं थोड़ी देर के लिए अपने बैक यार्ड गार्डन में जाके कढ़ी पत्ता लेके बस अभी अभी आई, और तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ये देखिए कड़ी पत्ता का ज़बरदस्त सा फ्रेश प्लांट। कड़ी को लगाते हैं कड़ी पत्ता का तड़का ज़बरदस्त सा, और ये देखिए जी ज़बरदस्त सी कड़ी हो गई है रेडी, खाने के लिए तैयार। इस तरफ चिपली कबाब, पठानों की ट्रेडिशनल डिश, और ये सब कुछ देख के मेरी भूख मज़ीद बढ़ गई है। तो मैं खाना खाती हूँ और मिलती हूँ आपसे खाने के बाद। जी आज तो काफ़ी थकावट हो चुकी है, तो खाने के बाद फटाफट अपने किचन को साफ़ करते हैं, बर्तनों को वॉश कर लेते हैं और किचन को पूरा धो लिया है। मेरी हेल्पर ने वाइपर लगा रही है, सारे बर्तन धुल चुके हैं। और एक मेरी अच्छी सी टिप आपके लिए, फाइनल लास्ट 7 टिप आपके लिए, कि जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ बास्केट में रखते हैं, जब पानी वगैरह उसका बर्तनों से काफ़ी सारा जो है वो निचड़ जाता है, तो उसके बाद हम इसको लेके इस टावल पे बिछा देते हैं। ये आपके लिए एक ज़बरदस्त सी टिप। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हामियो नासिर।